आज हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। आज महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही आज के दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती की विधिवत पूजा भी की जाती है। हरतालिका तीज पर कठिन निर्जला व्रत रखने का विधान है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं गणपति उत्सव की है। घर घर गणपति के पधारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा रौनक महाराष्ट्र के शहरों में है, जहां बड़े बड़े पंडालों में बप्पा का भव्य रूप देखते ही बन रहा है। तो एक तरफ हरतालिका तीज को लेकर महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है, महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्होंने भी अच्छे पति की कामना के लिए इस व्रत को किया है। तो पूरे देश भर में हरतालिका तीज की रौनक है। दूसरी तरफ दो दिन गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। तो ऐसे में बप्पा के आगमन को लेकर पूरे देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। उत्साह है, जोश है, उमंग है और बप्पा के स्वागत की पूरी तैयारी है। कठिन है क्योंकि इसमें कुछ खाना पीना तो दूर, पानी पीना भी वर्जित होता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में है। इस दिन चार शुभ संयोग बन रहे हैं। रवि योग, इंद्र योग के साथ चित्रा नक्षत्र तो है ही, गुरु चंद्र के संयोग से बनने वाला गजकेसरी योग भी है। यही नहीं, इस बार 7 साल बाद हरतालिका पर्व सोमवार को पड़ा है। इसके चलते इस दिन की पूजा का दोगुना लाभ मिलने की मान्यता है। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से माता पार्वती को समर्पित है, इसलिए विवाहित महिलाओं में 16 श्रृंगार का चलन प्राचीन काल से ही रहा है। हरतालिका तीज की पूजा में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है। सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। हरतालिका तीज पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा से पहले सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए। पूजा स्थल पर फुलेरा लगाकर केले के पत्तों से मंडप बनाना चाहिए। गौरी शंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर स्थापित कर गंगाजल पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाकर शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आग के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करनी चाहिए। माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहिए और उसके बाद भगवान को खीर, फल, सबका भोग लगाना चाहिए। धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इसी तरह पूजा करनी चाहिए। अगले दिन सुबह आखिरी प्रहर की पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपनी मांग में लगाकर मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणे को दान में दे देनी चाहिए। प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में हरतालिका तीज तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गौरी हब्बा के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। गौरी का मतलब माँ पार्वती और हब्बा का मतलब गणेश जी होता है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले देवी पार्वती के गौरी अवतार को समर्पित ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें माता पार्वती के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखकर महिलाएं इस पर्व में माता गौरी की पूजा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरतालिका तीज के मौके पर हमारे साथ हमारी संवाददाता अनामिका गौर जुड़ गई हैं और अनामिका के साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने आज ये व्रत रखा है। तो अनामिका, सबसे पहले आप बताइए आप कहां पर हैं और जो महिलाएं आपके साथ हैं क्या वो व्रतधारी हैं, क्या आज उन्होंने व्रत रखा है? जी बिल्कुल अदिति, आज हरतालिका तीज का महोत्सव है, आज दिन है, पर्व है और अभी हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पे जो है हरतालिका तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे ये त्यौहार यूपी बिहार में मनाया जाता है, लेकिन हम आपको एक और बात बता दें कि ये त्यौहार जो है ये नेपाल में भी प्रचलित है और अभी जितनी मेरे साथ महिलाएं हैं ये सभी नेपाली महिलाएं हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है, सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी है। आज के दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, 16 सिंगार किया जाता है और आप सब देख सकते हैं जो नेपाली परिधान है वो पहन के यहाँ पे महिलाएं आई हैं। हम इन्हीं से जानेंगे क्या आपने आज व्रत रखा है, क्या है आज के दिन का महत्व? हाँ जी, हम सब नेपाली महिलाओं ने आज के दिन व्रत रखा हुआ है। ये जो है शिव और पार्वती के, शिव जी को पाने के लिए जो पार्वती जी ने व्रत तपस्या की थी उसमें से ये हरतालिका तीज
भगवान को वरदान देने के लिए जो पार्वती जी को आए थे वो दिन माना जाता है, और पति के लिए व्रत रखा जाता है कि ताकि अखंड सौभाग्य बना रहे और उनकी लंबी आयु हो। जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है यहाँ पे, हमारे लिए उतना ही विशेष महत्व है ये हरितालिका तीज का व्रत। करवा चौथ का व्रत जो है वो चांद निकलने के बाद खोल दिया जाता है, लेकिन जो तीज का व्रत होता है वो 24 घंटे तक चलता है, इसलिए इसे सबसे कठिन व्रत भी बोला जाता है। आप कहाँ से, आप नेपाल से हैं या आप दिल्ली ही रहते? मेरे मायके नेपाल में और ससुराल मेरा दिल्ली में है। जो नेपाली समाज है वहाँ पे क्या भारत की तरह ही त्योहार मनाया जाता है या कुछ अलग तरीके से पूजा होती है? पूजा की सामग्री क्या क्या आप इस्तेमाल? पूजा के सामग्री में तो वही है, रोली हो गया, अक्षता, मतलब जो चावल बोलते हैं यहाँ, अक्षत बोलते हैं, वहाँ भी हिंदू धर्म सेम ऐसी, जैसे यहाँ नेपाली लोग ने मनाया है ना तीज हरितालिका तीज, सेम ऐसी नेपाल में सब लोग ऐसे करके धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपने बहुत सुंदर सुंदर गहने पहने हैं, अगर आप इसके बारे में बता सकें कि इन गहनों को क्या कहते हैं? इसको तो तिलरी पहनते हैं, माइली तिलरी, जैसे ये मैरिज के बाद पहनते हैं, और ये छड़के तिलरी बोलते हैं, ये सुहाग की निशानी, सुहाग की निशानी। बिल्कुल अनामिका, देखिए नेपाली महिलाएं हैं और इनके आभूषण भी अलग हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार आज के दिन किया जाता है, उसके बाद ही पूजा का विधान है, तो उसी परिधान के साथ नजर आ रही हैं महिलाएं। लौटूंगी आपके पास। आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल मेरा आज के दिन के महत्व को लेकर ही है, क्यों आज का दिन इतना ज्यादा खास है, कैसे स्नान ध्यान करें और कैसे पूजा पाठ करें? देखिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये महाभारत जो है तीज का, सुहाग संतति संतान के लिए किया जाता है, दीर्घायु के लिए किया जाता है। आज बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान की चरण कमल का दर्शन होता है। आज बिहारी जी का पूरा स्वरूप चरण दिखाया जाता है, बिहारी जी बाहर आते हैं और सब लोग दर्शन करते हैं। इसमें निराहार व्रत किया जाता है सुबह, क्या कल से इस व्रत की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। व्यक्ति का नहाना खाना ध्यान जप तप नियम शुरू कर दिया है। जो हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, इसमें भोले बाबा की पूजन किया जाता है, शिव का पूजन का विधान है। इसमें जो हम श्रृंगार के समान यूज करते हैं, जिस तरह बिंदी है, सिंदूर है, अन्न था वस्त्र है, आभूषण है, अलंकार है, ये सब दीर्घायु के निमित्त ही संकल्प किया जाता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्ति के लिए महाव्रत को किया, तब से ये तीज व्रत को हरितालिका के नाम से जाना गया। हरित जो शब्द है, एक जीवन में हरा रंग का प्रतीक लिया गया है। और आज जो तिथि है, ये तिथि में जो मंगल का नक्षत्र है, अन्यथा ग्रहों का जो योग बना है, ये पुत्र की कामना, इससे कार्य की सिद्धि होती है। आज ही के पूजन के बाद भगवान गणपति के जन्म का उत्सव मनाने का विधान है। जैसे तीज व्रत पूरा होता है, उसके चतुर्थी तिथि में भगवती की, माँ पार्वती के संतति संतान के रूप में गणपति का उत्सव शुरू हो जाता है। ये महाव्रत है और हमारे भारत में अन्यथा जितने लोग करते हैं वो सब लोग बड़ा नियम पूर्वक इसमें जल भी परित्याग करते हैं। जी, एक बार अनामिका का ही रुख करते हैं। अनामिका, जिन महिलाओं के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश किए, जब रात को वो व्रत खोलेंगी तो उस टाइम पे विधि विधान क्या होगा पूजा का, क्या उनके पति परमेश्वर उनके साथ होंगे, इसके बारे में और जानकारी लीजिए। अनामिका, क्या आप मुझे सुन पा रही है? जी देखिए, आज तीज का, जी बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। और जैसे आज त्योहार है, त्योहार पे अलग अलग लोग गीत गाए जाते हैं, और आज जो तीज महोत्सव है यहाँ पे बहुत सारे लोग गायक भी आए हैं। मैं आपसे जानूंगी कि नेपाल में जो है वो कौन से लोग गीत आज के मौके पे गाते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। हमारा ये महान चाड़ हिंदू नारी का है, ये हमारा आज तीज इतना बड़ा तीज है कि जैसे हम लोग व्रत रहते हैं कि शिव जी का, शिव पार्वती जी ने आज व्रत रखने के लिए, शिव जी के पाने के लिए व्रत रखा जाता है, कि आज हमारा सबसे बड़ा महान चाड़ है ये। हम गाना भी गा सकते हैं, नाच भी सकते हैं, हम आज अपने मायके में जाके एंजॉय करते थे, पर आज हम प्रवास में रह के भी हम इतने सारे बहनों के साथ इतना एंजॉय करने के लिए मिल रहा था। हम लोग आचार्य श्री पतंजलि में आचार्य श्री हमें गुरु का प्रणाम करते है कि हमारे तीजा को रहरा आयो बरीलाई, तीजा को रहरा आयो बरीलाई, तीजा को रहरा आयो बरीलाई, तीजा को
जान पाएनम हामी आज प्रवासमा बसेर पनि रमाइलो गरिरहेका छौँ अनि हामीलाई यो रमाइलो र खुसी हाम्रो आचार्य श्री र हाम्रो पर्व गुरुजीले हाम्रो हिन्दीमा हामी समझा सके कि इसका मतलब क्या इसका मतलब है हमारा ये हरितालिका तीज का मतलब ये है कि हमारा हिंदुओं में जो हमारा लेडीज है जैसे हमारे अपने पति के लिए व्रत रहते कि हमारा पति का लंबी आयु हो और हमारा पति का मतलब लंबी आयु हो इसके लिए हम ये व्रत रखते हैं शिव जी ने पार्वती जी ने और शिव जी को पाने के लिए व्रत रखा जाता है। आपने एक बार भजन गाया, मैं आपसे दोबारा चाहूंगी कि आप एक बार फिर से छोटा सा भजन हमें सुना दें। अच्छा अभी कौन सा भजन का है? तीज का गीत है। हाँ कुल हरि आयु बलिलाई, तीजा को लहर आयु बलिलाई, गाँव शहर बहनी तीजा को लहर आयु बलिलाई, तीजा को लहर आयु बलिलाई, कि हमारे यहाँ इस टाइम मतलब तीज का जो लहर मतलब तीज की जो खुशियाँ और जो इसका उमंग है वो हमारे यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है, इसका मतलब ये है। बिल्कुल अदिति, हर तरफ तीज की लहर फैली हुई है, चाहे वो यूपी बिहार हो या नेपाल हो, हर कोई आज तीज का त्योहार मना रहा है। व्रती आज हमारे साथ है, सभी महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए। बिल्कुल अनामिका, वो तो हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये महिला सजी धजी है और जितना उत्साह इनके अंदर नजर आ रहा है। लौटूंगी आपके पास डीपी शास्त्री जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। जैसा कि महिलाओं में उत्साह है, पूरे देश में हरतालिका तीज को मनाया जा रहा है, महिलाएं पहले से तैयारी करती हैं, श्रृंगार का तमाम सामान इकट्ठा करती है, मेहंदी लगाती हैं, वो उत्साह तो देखने को मिलता है, लेकिन पूजा की कोई एक विधि होती होगी जिसके तहत व्रत खुलता होगा, क्योंकि 24 घंटे का ये पूरा व्रत रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अनाज अन्न श्रृंगार का वस्त्र का आभूषण का एक थाली करके भगवान गणपति के समक्ष गाय के गोबर महादेव चौका बुलाए, गाय के घर करके और अपने परंपरा से लोकगीत को गायन करती है, मैथिली गीत गाए अपनी से शिव गाती है, अगर गीत है तो शिव है और राम जी का विवाह का गीत और विवाह का गीत नहीं है। जी आचार्य जी आपके पास लौटते हैं, एक बार अनामिका का ही रुख करते हैं। अनामिका, सुबह से ही जो है महिलाएं व्रत रखती हैं, तो क्या व्रत रखने से पहले वो कुछ भोजन करती हैं? जिस तरह से करवा चौथ में महिलाएं जो है सुबह उठकर तड़के कुछ खाती हैं, पूजा करती हैं, इस व्रत की शुरुआत किस तरह से होती है, ये जानने की कोशिश कीजिए इन महिलाओं से। जी बिल्कुल अदिति, हर अलग अलग पर्व में अलग अलग प्रक्रिया होती है। आज के पर्व में जैसे हम करवा चौथ में देखते हैं कि सुबह उठ के जो सूरज निकलने से पहले कुछ खा लिया जाता है, क्योंकि 24 घंटे का उपवास होता है, तो क्या आज के व्रत में भी ऐसा कुछ होता है, पहले खाया जाता है? हमारे में तीज के एक दिन पहले जैसे हमारा दर खाने का रीति रिवाज होता है, जैसे दर खाने के लिए अपने मायके में जाके हम लोग अपने अपने जो भी बड़े बुजुर्ग, जो भी मम्मी पापा, जो मम्मी मामा जो होते हैं ना, उनके घर में जाके हम लोग खाते हैं, दर खाते बोलते हैं ना उसको, बेटियां जो होती है उनको मायके लाया जाता है और मायके में जाके जाती है आज के दिन सब। अच्छा, दर दर में क्या क्या पकवान होता है? वो बहुत तरीके से पकवान होते हैं, बहुत तरीके के। मैं बताती हूँ, दर में हमारा होता है जैसे हमारे जैसे लड़कियां ये बरसात खत्म होने के बाद अपने मायके आती है तीज के लिए, तीज के लिए जैसे मायके आती है तो कल तक हम लोग मायके में होता है, जितने भी रीति रिवाज होता है कल तक हमारा मायके में होता है, फिर आज का दिन पति के घर में होता है, क्योंकि हम पति के लिए व्रत रहते हैं ना, आज तो हम लोग जैसे इंजॉय करने के बाद अपने पति घर में रात को जाएंगे, अपना व्रत हम लोग जैसे तीज के दिन के अगले दिन तक हम रात को 12 बजे तक खा सकते हैं, कि अपने मायके में इतना नंबर लगा के भी हमारा नंबर नहीं लगता खाने के लिए, तो इतना खाने खाते खाते हम लोग कई दिन का तो हमारा महीना दिन तक वही चलता है, जैसे ज्यादा बड़ी परिवार के है ना, तो अगर बड़ा परिवार का है तो हम लोग को ज्यादा नंबर लगा के खाना खाना पड़ता है, क्योंकि नेपाल में जो है शिव जी की पूजा के लिए पशुपतिनाथ जाया जाता है, तो आप में से क्या कोई आज के दिन मंदिर जाते हैं, ऐसे पूजा करते हैं?
चढ़ाते हैं, मंदिर शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव पार्वती का। बिल्कुल अनामिका, लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइएगा। डीपी शास्त्री जी, मेरा सवाल जो आपसे था, ऑडियो आपका क्लियर नहीं था इसलिए हमें आपको रोकना पड़ा, आप उसी सवाल का जवाब दें, किस तरीके से विधि विधान से पूजा होती है, क्या प्रक्रिया होती है आज की पूजा की? देखिए, गाय के गोबर महादेव चौका पूरा है, गाय के गोबर से घर की शुद्धि किया जाता है, देवालय शिवालय को शुद्धि किया जाता है और थाली में नाना प्रकार के आभूषण अलंकार मिष्ठान फ्रूट्स रख के भगवान गणपति पार्वती शिव को भोग लगाया जाता है और अपने अपने लोक रीति के अनुसार गीत को गाया जाता है। गीत गाने के बाद रात्रि में भजन कीर्तन लोग करते हैं, सहन नहीं करते हैं, महादेव को माँ पार्वती को जप करते हैं, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। अपने पति के दीर्घायु के लिए, संतान के निरोगी जीवन स्वस्थ कामना के लिए कामना करती हैं और अगले दिन सुबह उठ के स्नान ध्यान करके अन्न लेकर के, अन्न में नाना प्रकार के व्यंजन, उसको सीधा कहते हैं देसी भाषा में, उसको थाली को छू के उच्चार करके संत ब्राह्मण को या पुरोहित को दिया जाता है। उसके बाद जो पकवान घर में बनता है, जिस तरह रोटी चावल दाल सब्जी, उस सब व्यंजन को ठाकुर को भोग लगा करके जमीन पे बैठ के पूर्वाभिमुख होके पूरब दिशा मुंह करके माताएं बहनें उस भोजन को ग्रहण करती हैं, तब ये व्रत पूरा हो जाता है। ये 24 घंटे का महाव्रत है, बीच में कोई जल इत्यादि नहीं लिया जाता है। आज सूर्योदय से लेके कल सूर्योदय तक इनका जितना भी ध्यान है सब भगवान शिव के प्रति है, माँ पार्वती के प्रति है, देवताओं के प्रति है। इनका एक ही लक्ष्य होता है, सुहाग की कामना, सुहाग की प्राप्ति, कि जब तक संसार में हम रहें सुहागन है, इनकी कोई आगे यात्रा भी हो तो सुहागन हो। हर स्त्री के मन में कामना होता है कि मेरी जीवन सुहागन ही बनी रहे, इसीलिए हरतालिका व्रत को किया जाता है। आज ठाकुर जी का जो चरण चिन्ह है, बांके बिहारी का जो चरण चिन्ह है, वो मंदिर के प्रांगण में लाखों लोग दर्शन करेंगे और उनका श्रृंगार किया जाएगा और सब लोग तीर्थ में कहीं ना कहीं प्रणाम करते हैं। आपके घर भी पूजन है, हमारे घर भी पूजन है, हम किसी मंदिर में जाके जोड़े से प्रणाम करेंगे। भगवान शिव का मंदिर माँ पार्वती का मंदिर होना चाहिए, ये इस व्रत का विधान है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका ये सब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, उन व्रती महिलाओं को जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं जी एनटी पे, और अनामिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गणपति बप्पा घर घर पधार रहे हैं, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग शहरों में गणपति के स्वागत की भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। मुंबई में बॉलीवुड सितारों के घर भी गणपति विराज रहे हैं। शिल्पा शेट्टी हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आई। वहीं गणपति उत्सव के लिए अष्ट विनायक मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। इस दौरान गणपति पंडालों की रौनक भी देखने लायक है, कहीं राम दरबार की झलक देखने को मिल रही है तो कहीं चंद्रयान की थीम पे गणपति पंडाल को तैयार किया जा रहा है। अलग अलग शहर में गणपति उत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अब अगले 10 दिन तक इसी तरह का भक्तिमय नजारा देश में रहने वाला है। बड़े उत्साह और उल्लास से गणपति उत्सव मनाती हैं। गणेश चतुर्थी से एक दो दिन पहले शिल्पा गणपति प्रतिमा अपने घर लेकर आती हैं और चतुर्थी की सुबह भक्तिभाव से उनकी स्थापना करती हैं। बताया जाता है कि शिल्पा 2010 से ही हर साल अपने घर पर गणेशोत्सव का आयोजन कर रही हैं। इस तरह शिल्पा की गणपति पूजा का ये 13वां साल है। शिल्पा करीब 1.5 दिन या 3 दिनों के लिए गणपति बिठाती हैं, फिर भक्तिभाव से विसर्जन करती हैं। यही नहीं, शिल्पा गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के प्रमुख पंडालों में भी गणपति के दर्शन करने जाती हैं। इस बार फिर से शिल्पा के घर गणपति आए हैं तो शिल्पा का परिवार उत्सव मनाने में जुटा है, महाकाय से सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। लाल किले के सामने चांदनी चौक बाजार के बारे में बताने की जरूरत नहीं, ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या चांदनी चौक बाजार के नाम पर लगने वाले शॉपिंग फेस्टिवल के बारे में आप जानते हैं? दरअसल चांदनी चौक शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से मशहूर ये शॉपिंग फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है। कपड़े से लेकर साजो सामान और फर्नीचर इत्यादि भी इस शॉपिंग फेस्टिवल का
हिस्सा होते हैं और वो भी कम कीमतों पे। चांदनी चौक शॉपिंग फेस्टिवल 17 सितंबर रविवार को दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। इसे चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने आयोजित किया था। अक्सर दिल्ली के बाजारों का जब जिक्र आता है तो चांदनी चौक की बात होती है, लेकिन चांदनी चौक जाने में ग्राहकों को बेहद परेशानी होती है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन चांदनी चौक की एक झलक आज चांदनी चौक फूड फेस्टिवल में आपको देखने को मिलेगी। ये फूड फेस्टिवल 17 सितंबर को किया जा रहा है और यहाँ पे चांदनी चौक के जो खूबसूरत लहंगे हैं, चांदनी चौक की जो खूबसूरत ज्वेलरी है, सभी आर्टिस्ट ने यहाँ पे एग्जीबिशन में इन्हें लगाया है। सभी ग्राहक जो है, अक्सर जो इन दुकानों में चांदनी चौक पे नहीं जा पाते हैं, वो इस फूड फेस्टिवल, चांदनी चौक फूड फेस्टिवल में आके देख पा रहे हैं। अलग अलग एग्जीबिशन लगाए गए हैं, अलग अलग कारीगर जो है वो यहाँ पे आए हैं। कोई अपना मधुबनी आर्ट लेके आया है तो कोई हैंडमेड हाथों से बने हुए पर्स यहाँ पे लेके आया है। ग्राहक चांदनी चौक जाते हैं तो वो कपड़ों के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, ज्वेलरी के लिए जाते हैं। ये तीनों चीजें जो है इस बार इस एग्जीबिशन में रखी हैं। लहंगे जो है चांदनी चौक के बहुत फेमस होते हैं, पूरी दुनिया से चांदनी चौक आते हैं लोग लहंगे खरीदने, और आज सुंदर सुंदर लहंगों का एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है। हर उस नए डिजाइन के लहंगे यहाँ पे है जो इस समय ट्रेंड में है। हम दुकानदारों से भी जानेंगे कि आज के इस एग्जीबिशन का क्या फायदा होगा दुकानदारों को। फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट्स पूरी दिल्ली को और बाहर के भी जो कस्टमर्स आए हैं उनको दिखाने को मिलेगा। शॉपिंग फेस्टिवल में फूड और फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन में रखा गया है। अलग अलग लहंगे कपड़ों की दुकान तो लगाई गई है, लेकिन जो चांदनी चौक का फेमस खाना है, जायका है, छोले भटूरे, जलेबी, कुल्फी, रबड़ी, फालूदा और चांदनी चौक का फेमस चाट, वो यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है ताकि जो भी लोग यहाँ पे आए इस शॉपिंग फेस्टिवल में वो चांदनी चौक का जायका ज़रूर ले। और कोशिश की गई है कि जो चांदनी चौक की ऐसी दुकानें हैं जो बहुत सालों पुरानी है, आज़ादी के समय की है, उनको भी काफ़ी बढ़ावा यहाँ पे मिल सके। कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ पे आए हैं, खा रहे, जायके का मजा भी ले रहे हैं। चांदनी चौक का जायका है वो सबको पसंद आता है और कोशिश भी यही की गई है कि इस फैशन फेस्टिवल में, इस शॉपिंग फेस्टिवल में खाने के साथ साथ चांदनी चौक की जो सभी अहम चीजें हैं उनको भी दर्शाया जाए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोने में ही सफलता है। तो इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।